हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन में आपका स्वागत है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पर। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको एग्जाम्पल्स और उसके कुछ सोल्यूशन बताए। इस बार हम एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका सोल्यूशन करेंगे और उस सम को यूक्लिड की डिवीजन मेथड से किस तरह से एचसीएफ फाइंड करना है वो हम सीखेंगे। तो फिलहाल सम नंबर 1 है हमारे पास 135 एंड 225 एस 135 इज लेसर देन 225। वी विल डिवाइड 225 बाई 135। तो दोस्तों, हम सबसे पहले 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, जिसके लिए हम 135 वंदा करेंगे, बिकॉज 135 टूगा 270 हो जाएगा। तो 135 वंदा 135, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 नहीं जाएगा यहाँ पर 1, 9, 12 माइनस 3 9 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर है वो रहा 9, इसलिए हम 90 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? जैसे कि हमने पहले सीखा था 135, तो यहां पर हमने ले लिया 135। नाउ 90 वन दा 9, 5 माइनस 0 5 एंड 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे 45 से 90 को। सो 45 टू दा 90 एंड दिस टाइम वी हैव 0। सो जैसे 0 आ जाएगा अवर HCF इज इक्वल टू 45। सो दिस इज द आंसर एंड दिस मेथड इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर यूक्लिड। थैंक यू। दूसरा एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 2 और अभी हमको इसका HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए द बिगर नंबर बड़ा नंबर है 38220 38220 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 196। 196 से हमको 38220 को डिवाइड करना है। 196 19 टू द 38 तो हो रहा है, मगर 6 टू द 12 हो रहा है जो बढ़ रहा है, इसलिए हम सबसे पहले 196 वंदा करेंगे। तो 12 माइनस 6 6 एंड 8 7 17 माइनस 9 8 एंड 2 माइनस 1 1 सो इट इज 186 और हमने यहां से ले लिया। सो 1860 ये हमारे पास नंबर आया हुआ है। अब हम सबसे पहले 119 है और 19 9 करके देखते हैं, क्योंकि 19 टेंजा करेंगे तो 1900 होने वाले हैं। हम 196 9 करेंगे, अज्यूम करके करना है। 9 6 54, 9 9 81 प्लस 5 86, 9 1 9 प्लस 8 70। ठीक है, तो इट इज डिविजिबल। तो हम 9 करेंगे 1764। वापस इसको हम माइनस करेंगे 12 माइनस 4 8 7 10 15 माइनस 6 9 0 0 और यहां से हमने ले लिया। अब 196 98 एंड 6 5 30 होता है, तो हम 196 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हो सकता है 196 5 ये आ जाए, अगर आ गया तो हमारा एचसीएफ भी हमारे सामने होगा। 5 6 30 19 5 95 प्लस 398, सो 980 हमारे पास आ गया और आ गया 0। और जैसे ही 0 आएगा हम डिवाइजर जो है वो उसको ले लेंगे एंड नाउ HCF इज इक्वल टू 196। सो HCF हमारे पास आ गया और वो है 196। सो दिस टाइम हम इसको डिवाइड करेंगे 255 लेसर देन 867।
67, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 867 को 255 से डिवाइड करेंगे। 255 यानी 25, 25, 3 75, तो हम 255 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15, 5 3 15 प्लस 1 16, 3 2 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 का टेबल चलेंगे। 255 3 दा 765, ये हो गया 100। नेक्स्ट टाइम हम 102 से आगे बढ़ेंगे। तो हम 255 को 102 से डिवाइड करेंगे। 102 टू जा 1 and 5, यहां पर ले लेंगे। 51 2 102, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 51। सो इट्स वेरी इजी।